पाकिस्तान की सीमा से निकलकर इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर आ रही है। बता दें आपको कि पाकिस्तान की सीमा पर तड़ातड़ हमले किए जाने के बाद पाकिस्तान की आर्मी में हड़कंप मच चुका है, और वहीं पीओके के इलाके में भी जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी हो चुके हैं, उस तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान की खटिया खड़ी हो चुकी है। बता दें कि पीओके में एक तरफ एक्टिविस्ट वहां के पाकिस्तान से अलग होकर भारत में मिलना चाह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं, और इस हमले में पाकिस्तान की आर्मी की कमर टूट चुकी है। पाकिस्तान की आर्मी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उन्हें इस जगह से हटाया जाए, उन्हें किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान की आर्मी के पास इतने हथियार नहीं हैं कि वह इन लड़ाइयों से लड़ सके। जानेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर पूरा मामला क्या है, लेकिन उससे पहले बता दें कि यदि आप सच्चे देशभक्त हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें। दरअसल बता दें कि पाकिस्तान में हो रहे ताबड़तोड़ हमले के बीच TPP ने पाकिस्तान को चेताया है कि यदि पाकिस्तान TPP का कहना नहीं माने और उसके लिए एक अलग तरीके के देश के निर्माण की बात नहीं की, तो वह ऐसे हमले लगातार करता रहेगा और पाकिस्तान की कमर तोड़ देगा। इस डर से पाकिस्तान की आर्मी अब उन जगहों पर पोस्टिंग लेने से बच रही है जहां पर TPP एक्टिव है। दूसरी तरफ POK में हो रहे एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाक कट चुकी है और भारत के समर्थन में पूरा विश्व खड़ा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से भारत ने S-400 का देसी वर्जन बना लिया है, उस वर्जन को देखा जाए और रूस से जो मंगाया गया S-400 है उस वर्जन को देखा जाए तो काफ़ी सिमिलरिटी बताई जा रही है। यही नहीं, बहुत ही जल्द भारत इन S-400 की तैनाती पाकिस्तान और चीन के इलाके में बढ़ाने वाली है। अमेरिका ने भी यह साफ कर दिया है कि यदि भारत चीन और पाकिस्तान की तरफ S-400 को डिप्लॉय करता है तो अमेरिका भारत का पूरा साथ देगी और भारत के ऊपर कोई भी प्रकार का सैंक्शन नहीं लगाया जाएगा। यह सुन करके पाकिस्तान और चीन के तो हवा ही निकल चुकी है। यही नहीं, बता दें आपको कि भारत बहुत ही जल्द S-400 की इतनी ताबड़तोड़ तरीके से जांच करने वाली, इतनी ताबड़तोड़ तरीके से उसका टेस्ट करने वाली है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी पूरी तरीके से दहल चुका है। हालांकि इस पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।